हाय व्यूअर्स, कल जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने एंशियंट ग्रीस के बारे में बताया हुआ था। आई होप आप सबको वो समझ में आया होगा और आपने उसको लाइक भी किया होगा। आज का हम टॉपिक लेंगे रोम। रोम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रोम पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पूर्व रोम काल और उत्तर रोम काल। पूर्व रोम काल के जो स्कूल्स होते थे उनको क्या कहते थे, हमें ये पढ़ना है। तो प्राइमरी लेवल्स के जो स्कूल होते थे रोम काल में, उनको स्कूल ऑफ लिटरेचर कहते थे। सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल होते थे उनको स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहते थे। हायर लेवल के जो स्कूल होते थे इनको स्कूल ऑफ रेटर कहते थे। ठीक है, तो ये किस काल में थे? रोम काल में थे। अब पढ़ना है ब्रूटल ग्लेटोरियल कॉम्बैट्स वॉज द फेमस गेम ऑफ रोम एरा। रोम एरा का ये सबसे प्रसिद्ध खेल था। फेमस गेम मतलब सबसे प्रसिद्ध खेल था। किस किस काल का था ये? रोम एरा, रोम पीरियड का था ये। ठीक है, एम्फीथिएटर्स। एम्फीथिएटर्स क्या है? तलवार युद्ध जहाँ होता था, सो इट यूज टू बी वॉर। जहाँ पे तलवार युद्ध होता था उसको एम्फी थिएटर्स कहा जाता था। नेक्स्ट आइए कैंपस मार्टियस। कैंपस मार्टियस वॉज द प्लेस वेयर रोम रिसीव ट्रेनिंग। कैंपस मार्टियस वो जगह थी जहाँ रोम लोग ट्रेनिंग किया करते थे। ठीक है, ब्लाइंड एरा ऑफ प्ले, खेलों का अंधा युग। खेलों का अंधा युग किसे किस काल को कहा गया है? रोम पीरियड को कहा गया है। ग्लेडिएटर वॉज द फेमस गेम ऑफ रोम पीरियड। ग्लेडिएटर सबसे फेमस खेल था रोम पीरियड का। रोम काल का सबसे प्रसिद्ध खेल था ग्लेडिएटर। ठीक है, ये तलवारबाजी से रिलेटेड है ये खेल। इसको और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ग्लेडिएटर वॉज द फेमस गेम ऑफ रोम पीरियड। इसमें एक है उत्तर एथेंस काल में एक चीज़ है थर्माई ऑफ बाथ। थर्माई ऑफ बाथ क्या? स्नान घर का प्रयोग जो है व्यायाम करने के लिए किया किया गया। इसमें थर्माई ऑफ बाथ में स्नान घर का प्रयोग जो है व्यायाम करने के लिए किया गया इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रोम पीरियड में वो है ब्रूटल ग्लेटोरियल कॉम्बैट वॉज द फेमस गेम ऑफ रोम एरा एंड ग्लेडिएटर वॉज द फेमस गेम ऑफ रोम पीरियड। नेक्स्ट हम आते हैं जर्मनी। जर्मनी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी जर्मनी में क्या पढ़ना है? ग्रैंड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामा, मॉडर्न मतलब आधुनिक, ग्रैंडफादर मींस पितामा शारीरिक शिक्षा के। तो ये किसको कहा गया? जॉन ब्रासडो। किसको कहा गया? जॉन ब्रासडो। प्राकृतिवादी पाठशाला, इन्होंने पाठशाला खोली थी जिसका नाम था फ्लोन्थ्रोपिनम। क्या नाम था? फ्लोन्थ्रोपिनम। नेक्स्ट आइए ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिमनास्ट। जो जर्मन जिमनास्ट के जो पितामा थे उनको गट मत या गट्स मत्स भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी हुई दो किताबें थी, पहली थी जिमनास्ट फॉर यंग, दूसरी थी गेम्स। इस गेम्स वाली जो बुक थी उसमें इन्होंने 105 स्पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो ये किसने किया था? गट्स मत्स ने किया था। किस पीरियड के बारे में? जर्मनी पीरियड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं फ्रेडरिक लुडविक जॉन। फ्रेडरिक लुडविक जॉन ने क्या किया था? राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। फिर किसने किया? फ्रेडरिक लुडविक जॉन ने राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय इनको जाता है। खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक लुडविक जॉन। ठीक है, ये भी किस काल के थे? जर्मनी पीरियड। जिमनाजियम मेड बाय हिम, मतलब व्यायामशाला। जिमनाजियम मतलब व्यायामशाला इनके द्वारा बनाई गई, जिसको हम टर्न प्लास कहते थे। क्या कहते थे? टर्न प्लास। ठीक है, इनके द्वारा लिखी हुई दो किताबें थी जिसका नाम था जर्मन जिम्नास्टिक, जिसको बाद में टर्नर गाइड में विकसित किया। ठीक है, और दूसरी किताब थी जर्मन नेशनैलिटी। दूसरी किताब कौन सी थी? जर्मन नेशनैलिटी। इन्होंने ही फाउंडेड टर्वाइन मूवमेंट इन जर्मनी। इन्होंने टर्वाइन मूवमेंट को शुरू किया था जर्मनी में। टर्माइन मूवमेंट को क्या कहते हैं? जिम्नास्टिक क्लब। टर्माइन मूवमेंट को जिम्नास्टिक क्लब भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए एडोल्फ स्पीच पे। एडोल्फ स्पीच वो थे जो जर्मन जिम्नास्ट और एजुकेशन, इन्होंने जर्मन जिम्नास्ट और एजुकेशन हो इन्होंने जर्मन स्कूल के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए योगदान दिया। इन्होंने क्या किया था? जर्मन स्कूल के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए योगदान दिया था इन्होंने। किन्होंने? एडोल्फ स्पीच ने। इनको इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो बता चुकी हूँ, गट्स मट्स के बारे में पढ़ लीजिए और जॉन ब्रास्टो। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं स्वीडन पे, फिर हेनरिक लिंग। इनकी डेट ऑफ बर्थ में लिखी हुई है 15 नवंबर 1776। पायनियर द टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को शुरू करने का बेड़ा उठाया। ठीक है, किन्होंने उठाया था? फिर हेनरिक लिंग ने, किस पीरियड में? स्वीडन पीरियड में। पायनियर मतलब होता है बीड़ा उठाया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पायनियर मतलब बीड़ा उठाया। किन्होंने उठाया था ये? फिर हेनरिक लिंग ने। राइटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिमनास्टिक, इनको जनरल प्रिंसिपल कहा गया जिमनास्टिक का। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिमनास्ट के लेखक थे। कौन थे? फिर हेनरिक लिंग। लिंग जिमनास्टिक शेप द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न योगा एक्सरसाइज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लिंग जिमनास्टिक ने मॉडर्न योगा एक्सरसाइज के रूप में प्रस्तुत किया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं डेनमार्क। ये लास्ट पीरियड है, बस हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी आज आपकी। लास्ट पीरियड जो लेंगे डेनमार्क लेंगे। हिस्ट्री ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आपको रिलेटेड मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेनमार्क पीरियड में फ्रांस नेसगाल ही इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन। डेनमार्क में फ्रांस नेसगाल ने फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। एस्टेब्लिश स्कूल नेम, इन्होंने जो स्कूल जो एस्टेब्लिश किए हुए थे यानी स्थापित विद्यालय, वो था राइफल क्लब, हिंदी में भी लिखा हुआ है, और लोक विद्यालय। किन्होंने किए थे? फ्रांस नेसगाल ने। क्या किए थे? स्थापित किए थे विद्यालय। ठीक है, अगला है नील्स बुक। क्या है? नील्स बुक ही फाउंडेड द फर्स्ट एथलेटिक फोक हाई स्कूल इन ऑलर पिन फुनेन। इन्होंने ही फाउंडेड फर्स्ट एथलेटिक फोक हाई स्कूल इन ऑलर पिन फुनेन एंड ही वॉज अ फेमस जिमनास्ट ट्रेनर, और ये सबसे फेमस जिमनास्ट ट्रेनर भी रहे हैं। इन्होंने नोट के एक नोट छोटा सा लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, नोट में लिखा है फेयर हेनरिक लिंग एस्टेब्लिश टू लिंग यार्ड। फेयर हेनरिक लिंग जो थे उन्होंने दो लिंग यार्ड एस्टेब्लिश किए थे, स्थापित किए हुए थे। फर्स्ट लिंग यार्ड किया था 1939 में, सेकेंड लिंग यार्ड किया था 1949 में। तो एक हिंट देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था स्टॉकहोम में 1939 में पर हेनरिक लुंग की बस्सी उत्सव को दिया गया नाम। तो किसने दिया था ये नाम? तो ये नाम दिया गया लिंग यार्ड ने। किसने दिया? लिंगी यार्ड ने। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को भी पसंद करोगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो कमेंट पे, और आई होप यू लाइक दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चंस बनाकर दूंगी इससे, तो आपको उसके आंसर देना है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो वो हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी। सो थैंक यू।